हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको भी चाहिए ऐसा बरगंडी हेयर कलर जो कि बिल्कुल ही नेचुरल हो? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसकी रेमेडी, किस तरीके से मैं अपने बालों में ये कलर लेकर के आई हूँ। आपको सबसे पहले लेने हैं दो चुकंदर। देखिए, दो बड़े साइज़ के लीजिएगा, छोटे बिल्कुल भी मत लीजिएगा। उनको छीलने के बाद में कद्दूकस कर लीजिएगा। और अगर आपकी जो हेयर की लेंथ है वो शोल्डर से थोड़ी सी नीचे है तो दो चुकंदर काफ़ी होंगे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बड़ी लेंथ है तो आप मतलब प्रेफर करिएगा कि 3 से 4 चुकंदर, मतलब जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ उतने ज़्यादा चुकंदर को आपको ऐड करना पड़ेगा। और ये अच्छे से कद्दूकस करने के बाद में आपको इनका जो है रस निकालना है, जो इसके अंदर जूस है। मैं वैसे हाथों से ही निकालती हूँ, अगर आप चाहें तो कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, पूरी रेमेडी जो है ध्यान से देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा वरना कलर जो है खिलकर नहीं आएगा। और अगर आप बहुत अच्छा ब्राइट कलर चाहते हैं तो आप इसको जो है मतलब 2 हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाइएगा, तो बहुत ही अच्छा कलर खिल कर के आएगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने पार्लर से कलर कराया हो। और इसका जो है जूस निकालने के बाद जो बचा मटेरियल है इसको आपको वेस्ट मतलब फेंकना नहीं है, अभी आपको इसको फ्राई पैन में लेके जो है रख लेना है। और इस तरीके से बाकी सारा बचा हुआ चुकंदर से हमें जो है जूस निकाल लेना है एक बाउल में। उसके बाद जितना भी मतलब जो हमारी प्लेट में बचा था उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के वो हमें फ्राई पैन के अंदर जितनी भी क्वांटिटी हमारी बची थी उसमें 1 गिलास पानी हमें ऐड कर देना है। और इसे हमें थोड़ा सा मतलब गर्म करना है, एक जैसे मतलब इसमें बॉयल आ जाए इतना हमें इसे उबालना है। और जैसे ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारा जूस जो है और ज़्यादा निकल कर आ गया है, क्योंकि आप मेहंदी इसे भी इस तरीके से ही मतलब निचोड़ के इसका जूस निकाल लेना है। आप देखते हैं कि मेहंदी का कलर जो है, जब हम मेहंदी लगाते हैं तो वो रूट से लेकर टिप्स तक लगाते हैं, तो इसलिए हमें जो है क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है जूस की, और इसी से कलर आएगा इसलिए इसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा चाहिए। तो अभी जो बचा था अलग, उसको मैंने अलग मतलब बर्तन में छान लिया है। एक ही बाउल में नहीं रखना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप एक साथ डाल देंगे तो मेहंदी का जो टेक्सचर है वो पतला हो जाए, तो इसे हमें जो है थोड़ा सा अलग क्वांटिटीज़ की बना करके रख लेनी है। और अब भी देखिए, मैं उस बाउल में डाल रही हूँ मेहंदी। ऐसा नहीं है कि आपको VLCC की लेनी है, आप कोई से भी मेहंदी ले सकते हैं। मैं नूपुर मेहंदी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ और अब मैं आपको सजेस्ट भी नूपुर मेहंदी के लिए ही करूँगी, लेकिन मेरे पास मतलब मुझे मिली नहीं, मुझे ये मिली तो मुझे यही इस्तेमाल करनी पड़ी, शॉप पर ख़त्म हो गई थी। और इसके अंदर आपको ऐड करना है नेस्कैफे कॉफ़ी का एक पूरा पाउच, पूरा का पूरा आपको इसके अंदर डाल देना है। और इसके बाद मतलब आप किसी मतलब स्पून या इससे मत इसे घोलिएगा, आप ये इसे अपने हाथों से ही घोलिएगा, क्योंकि इसको फैटना बहुत ज़रूरी है मेहंदी को। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैं इसे घुमा रही हूँ, टेक्सचर जो है थोड़ा सा मतलब हार्ड है, तो थोड़ा हमें इसको पतला करना है। उसके लिए हमारे पास जो एक्स्ट्रा हमने जूस निकाला था वो अब हमारे काम आएगा, तो वो ही इसके अंदर ऐड करना है, अलग से पानी ऐड मत करिएगा। और देख सकते हैं हम काफ़ी सारा इसके अंदर ऐड हो चुका है। और तो इसको अब बहुत अच्छे से जो आपको फैट फैट के मतलब मिक्स करना है, बहुत 3-4 कम से कम 5 मिनट तक इसको फैटते रहिएगा। और इसके बाद इसको मतलब सिल्वर फॉइल पेपर से या किसी से भी आप इसको कवर करके रख सकते हैं रात में, और सुबह मॉर्निंग में आप इसको लगा लीजिएगा। सुबह आपको मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगी कि इसका क्या टेक्सचर आया है। तो देखिए, अगले दिन सुबह जब मुझे आज इसे लगाना है तो आप देख सकते हैं कि कलर बहुत ही प्यारा सा निखर के आया है। और मैं आपको अपनी जो नेचुरल हेयर ग्रोथ है मतलब सॉरी जो कलर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये मैंने मेहंदी जो है पूरे मतलब सिर पर लगा ली है, अब वेट है कि इसका कलर क्या आता है। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा कलर आया है, और मैं धूप में शूट कर रही हूँ तो इसलिए इसका कंट्रास्ट जो है मेरे फेस पर भी आ रहा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।